बागेश्वर थाने के तहत 10 वर्षीय बालिका को घरेलू काम कराकर अमानवीय अत्याचार करने वाले दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अजहर शेख उम्र 35 वर्ष को पुलिस ने न्यायालय के पास से ही हिरासत में लिया है। अजहर बेंगलुरु से पुलिस के ई सर्विलांस पर था। बेसा पिपला मार्ग पर अथर्वा नगरी 2 के एक मकान में पीड़ित बालिका के साथ क्रूरता की जा रही थी। बेंगलुरु के एक गरीब परिवार की बच्ची को 2 साल पहले आरोपियों ने नागपुर लाया था। बालिका को काम करने के लिए चटके देना, मारना और अन्य प्रकार से अत्याचार किए जा रहे थे। इस मामले में अरमान इश्ताक अहमद खान उम्र 39 वर्ष, उसकी पत्नी हिना उम्र 26 वर्ष व साला अजहर उम्र 35 वर्ष आरोपी थे। पुलिस ने अरमान को नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, जबकि अन्य आरोपियों को पुलिस खोज रही थी। पुलिस को अजहर के नागपुर लौटने का पता चल गया था। वह न्यायालय से राहत पाने का प्रयास कर रहा था। उसने एक वकील से संपर्क भी किया था। अजहर के न्यायालय के पास पहुंचते ही हुड़केश्वर पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसे 3 दिन की पुलिस कस्टडी सुनाई गई है। अत्याचार के लिए गेले होते, त्याप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। काही समाजसेवक महिलांनी आणि तिथे राहणाऱ्या शेजाऱ्या एक महिलेने तिला पोलिसांकडे आणलं होतं, त्यावेळेस ती घटना माहिती पडली, त्यानंतर तत्काळ गुन्हा दाखल करण्यात आला। एका आरोपीला एअरपोर्टच्या परिसरातून तत्काळ ताब्यात घेण्यात आलं। दुसरा आरोपी हा काल आम्ही अटक केला, अजहर खान म्हणून तो जो पहिला आरोपी अटक आहे हा त्याच्या पत्नीचा भाऊ आहे आणि त्याला आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे। दोघे मुख्य आरोपी सध्या आमच्या ताब्यात आहेत। एक महिला आहे, तिला अजून ताब्यात घ्यायचं बाकी, आमचं इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहे। मुलगी सध्या बालिकागृहामध्ये आहे, तिची प्रकृती उत्तम आहे आणि त्याच्यावर सर्व बालिकागृहातले अधिकारी अंमलदार आणि आमच्याकडून त्याच्यावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे। त्याचप्रमाणे वैद्यकीय सुविधाही तिला सगळ्या पुरवण्यात आलेल्या आहे। वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली आमचा तपास चालू आहे। आम्हाला दोघांना समोरासमोर बोलून तपास करायचा आहे, त्याचप्रमाणे मुलीच्या पालकांनासुद्धा आम्हाला विश्वासात घेऊन त्यांच्याकडून ही माहिती जमा करायची आहे। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी अजहर बंगलोर से वॉल्वो की बस से नागपुर आ रहा था, लेकिन बीच रास्ते से उसने मोबाइल बंद कर बस से उतर गया। पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर कोर्ट परिसर के पास से हिरासत में लिया गया है। पुलिस आगे की जांच करी है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।